नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर। यूपी के गाजीपुर से है, जहां प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने राइफल क्लब में जिला योजना की बैठक की। बैठक में बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल, गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी, बीजेपी विधायक संगीता बलवंत, बीजेपी विधायक अलका राय जखनिया से सुभाषपा विधायक त्रिवेणी राम समेत सभी जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष आशा देवी उपस्थित रहे। सीडीओ हरिकेश चौरसिया, एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी समेत आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बृजेश पाठक ने बैठक में सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पेंशन योजना, पीएम आवास, शौचालय और अन्य सरकारी योजनाओं को जनपद में ठीक से संचालित करने के लिए उनकी तारीफ भी की। प्रभारी मंत्री ने बताया कि आज जिला योजना का बजट स्वीकृत किया गया है, ताकि उसे शासन के बजट में शामिल किया जा सके। सभी विभागों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि जनपद में सभी पात्र लोगों को पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। पीएम आवास योजना में जनपद में अच्छा काम हुआ है, हम 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करा देंगे। वहीं पूरे प्रदेश को 2022 तक पेयजल उपलब्ध कराने की भी बात कही। करीब 6 अरब बजट जिला योजना की बैठक में स्वीकृत हुई। वहीं बीजेपी विधायक और स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी विधायक अलका राय के बैठक में सांसद अफजाल अंसारी के होने की वजह से बैठक बीच में छोड़कर चले जाने पर सवाल कर उन्होंने कहा कि उनका कुछ व्यक्तिगत काम रहा होगा। कृष्णानंद राय प्रकरण में यूपी सरकार के हाईकोर्ट प्रकरण में जाने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह न्यायालय का मामला है, इस पर कुछ बोलना उचित नहीं है। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। आज जिला योजना का बजट प्रस्तावित कर दिया गया शासन के बजट में शामिल करने के लिए और सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने जनपद के अधिकारियों का, जिन्होंने शत प्रतिशत पेंशन योजना को समाज कल्याण विभाग द्वारा जो चलाई जा रही है, अपने गाजीपुर जनपद के सभी वंचित पीड़ित वर्गों को पेंशन देने का काम हमारे गाजीपुर जनपद के लोगों ने किया है और शासन ने शत प्रतिशत किया है। अब हमारे पास जनपद में जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन है, जो विकलांग पेंशन है, जो हमारी विधवा पेंशन है, कोई भी ऐसा हमारे पास पात्र व्यक्ति नहीं है जिसको पेंशन न मिल रही हो। सामूहिक विवाह के मामले में भी जनपद ने पर्याप्त धनराशि खर्च की है। हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग सफलता प्राप्त की है और 2022 तक हम सबको पक्का मकान देने के लिए संकल्प हैं। पेयजल के मामले में भारत सरकार ने तय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में 2022 तक हम पाइप पेयजल योजना के माध्यम से लोगों के घरों में पाइप से जल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आज बहुत ही अच्छी बैठक हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि जनपद गाजीपुर इस योजना के पास होने के बाद सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होगा। कितने का बजट सर इस बार पास हुआ? यह लगभग 6 अरब रुपए का। मंत्री जी, एक सवाल है, कृष्णानंद हत्याकांड का फैसला हुआ है और सरकार बोल रही है कि आप भी जानते हैं कि न्यायालय का मामला है, इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा और आप भी जानते हैं कि इसमें जब कोई मामला न्यायालय में होता कहना उचित नहीं होता। सर, विधायक मौजूद थे और बीच में ये बैठक छोड़कर चले गए, क्या कोई उनका व्यक्तिगत काम रहा होगा, ये तो उनसे आप पूछिए। संवारे अपना भविष्य इंदुप्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदुप्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।